मुझे इस जजमेंट का मैं बहुत ही स्वागत और समर्थन करती हूँ और मैं हर मुस्लिम जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही आज अच्छा दिन है। मुस्लिम जो महिलाओं की स्थिति में जो सुधार होगा और उनकी उनके लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है, ये हमारे लिए, मतलब मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती कितनी खुशी की बात है। हम मुसलमान औरतों ने बहुत मेहनत किया है, पिछले कई सालों से मेहनत किया है इस दिन के लिए, जहां आज ये कहा गया है, बेंच ने कहा है कि देश में 3 तलाक अब से गैरकानूनी है। और बेंच ने साथ ही साथ, बेंच के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि 3 तलाक की इजाज़त कुरान नहीं देता है। तो जिस चीज़ की इजाज़त कुरान नहीं देता है उस चीज़ को आप कैसे लागू कर सकते हो, और लागू करने के बाद उस चीज़ को आप सही कैसे ठहरा सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इस फैसले का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि ये कानून का मामला है, ये लेजिस्लेचर का मामला है, ये पार्लियामेंट का मामला है कि इस तरह के कानून बनाएं कि देश में महिलाओं के अधिकारों का हनन ना हो। तो उस राय का भी हम स्वागत करते हैं।